हेलो गाइस, एक्सप्लोरर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं हूँ अग्निमिका सेंट्रो में। तो उसका गाड़ी अभी चल चुकी है 19,550 समथिंग। तो अभी तक वो जो गाड़ी चलाया है उसमें क्या प्रोज है, क्या कौन सा है वो बोलेगा। बोलो भाई क्या है, पहले बोलो एडवांटेज और प्रोज। तो एडवांटेज सेंट्रो मैंने, मेरा जो मॉडल है वो सेंट्रो स्पोर्ट्स है, तो 2019 एडिशन है। ओके। तो ऑलरेडी कोविड हो गया था तो मैंने दो साल ही चलाया और दो साल में ऑलमोस्ट 20,000 हो गया है, ऑलमोस्ट 19,500। हम लोग अभी इनिशियटिव पे है ना, इंडिपेंडेंट राइड कर लिए। तो हाँ, वीडियो कंटिन्यू करो, बोलो। तो बात है कि जो एडवांटेज है, एडवांटेज मेरा पुराना सेंट्रो था, 13 इयर्स के लिए मैंने यूज़ किया था। तो उसके बाद ये जो है, तो इसका मेन प्लस पॉइंट उसके बाद है कि सस्पेंशन, इसका बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, मीन्स चलाने में बहुत मज़ा आता है। ओके। उसमें बहुत स्टिफ सस्पेंशन था और उसके ऊपर इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। इसका माइलेज इज भाई साहब, माइलेज अभी भी निकल रहा है 23.6। आज हाईएस्ट माइलेज हम लोग को मिला है 38.1 या 39 भी दिखा है ना। अगर फोटो है तो हम लोग उसको अटैच कर देंगे, देख लेना। हम लोग इंस्टाग्राम में भी हम लोग अपलोड करेंगे, वो देख लेना। तो माइलेज में जबरदस्त माइलेज मिलता है हाईवे में। बट हाईवे में अगर डिसएडवांटेज यही है, हाईवे में अगर तुम 100 के ऊपर चलाओगे तो ये स्टेबल नहीं है। मतलब कि पुराना सेंट्रो जो स्टेबिलिटी था, इसमें वो स्टेबिलिटी है नहीं। और तुमको इसका जो डैम्पिंग है पूरा गाड़ी में, 100 के ऊपर समझ आता है कि गाड़ी स्पीड में जा रहा है और 120 के बाद तो गाड़ी लगता है कि उड़ रहा है रास्ते में। तो यही बात है। तो और जो एडवांटेज है, इसका ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा ऑडियो सिस्टम है। एंड उसके ऊपर आपका, मेरा तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है। तो और बाकी सब कुछ सही है। मीन्स दिस कार इज फॉर सिटी एंड ओनली हाईवेज के लिए, इधर उधर हल्का फुल्का जा रहे हो ठीक है, बट आई वोंट से टू ट्रैवल मोर किलोमीटर्स इन दिस थिंग। मीन्स लोग जाता है, ऑब्वियसली जा सकते हो, बट स्टिल उसमें ये वाला, इसमें जो ड्राइवर्स कार ये है नहीं, ये दिस इज फॉर सिटी राइड और ऑफिस राइड, ठीक है, इट्स गुड फॉर दैट। बट अदर देन दैट आई वोंट रिकमेंड दिस कार, एज द पिकअप इज वेरी लीनियर। मीन्स अगर स्लो हो जाते हो सेकेंड गियर में, 2000 RPM के ऊपर जब जाता है उसके बाद ही गाड़ी पुल करता है, गाड़ी पुल करता ही है, पूरा एक्सेलेरेटर दबा के बैठे हो फिर भी नहीं जाएगा। हाँ, एक्चुअली इसका एक कॉज मुझको लगता है जो मतलब फ्यूल इकोनॉमी के लिए गाड़ी का, मतलब हुंडई ने ट्यूनिंग ही ऐसा किया, पूरा लीनियर पावर। हाँ, लीनियर पावर 2000 के बाद ही गाड़ी चलता रहता है। मेरा अभी फिफ्थ गियर में चल रहा है और मैं 60 या 50 में चला रहा हूँ अंडर 2000। ऐसे ऐसे चलाओगे, इस स्पीड में चलाओगे तो 23 क्या, आपको तो 30 माइलेज मिलेगा गारंटीड। मुझे मिला है, मैं जब बोलपुर गया था तो वैसे ही मिला था मुझे माइलेज। उस टाइम पे गाड़ी में मतलब 5 आदमी भी था। हाँ, 5 आदमी था, फुल्ली लोडेड था और मेरा सर्विस किया गया था। अभी तो सर्विस इंटरवल है, हम लोग का फोर्थ सर्विस अभी मीन्स होने का है। हाँ। तो 21,000 में फोर्थ सर्विस होगा। अभी 19,555 हुआ जस्ट अभी नाउ। Okay. और डिसएडवांटेज लगा है कि इसका जो पावर विंडोज है पूरा कॉस्ट कटिंग है इसमें। तो इसमें इधर उधर मींस ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड में देता तो कितना खर्चा आता, ज्यादा तो खर्चा आता नहीं ना, राइट। तो इधर में दिया है, उसके ऊपर लाइट भी नहीं दिया है। जब एटलीस्ट इधर दिए के मतलब ये इल्यूमिनेट कर देता, मतलब लाइट में इल्यूमिनेशन रहता तो बहुत अच्छा रहता। जब मैंने नया खरीदा था तो तब तो ढूंढने में ही मुझे 1 महीना चलाएगा कि मेरा पावर विंडो यहाँ पे है, क्योंकि बार बार भूल जाता था, क्योंकि मेरा ओल्ड सेंटर में घुमा GL मॉडल था तो वो टॉप मॉडल नहीं था, पावर विंडो तब मिलता नहीं था। मेरा 2007 का मॉडल था, दिसंबर का। तो उस टाइम में घुमा गए मैं, तब ये गाड़ी खरीदने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ ये कहाँ पे घुमाने का है, फिर सोचा कि वो उधर में है, तो ऐसा हालत था। बाकी ये गाड़ी इज वेरी गुड, इट इज स्पेशियस फॉर 5 पीपल। मतलब पीछे अगर 3 हटकट आदमी, मतलब थोड़ा हेल्दी आदमी बैठेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा टाइट होगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, अगर लॉन्ग में जाना है तो थोड़ा इशू आएगा। और एल्स अच्छा है, इसका डिकी स्पेस भी अच्छा है, 14 इंच का व्हील मिलता है और एलो व्हील मिलता नहीं है किसी भी मॉडल में। एक चीज है, मैं देखा 13 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो 13 इंच का दिया, उसमें भी हुंडई ने थोड़ा सा स्कॉट
कॉस्ट कटिंग सब किया कर दिया। अगर ये अलॉय व्हील होता तो ठीक है, मान लेता कि चलो 13 इंच दिया, बट चारों के चारों स्टील रिम है, उसके बाद भी वो भी 13 इंच का दिया। ये कॉस्ट कटिंग जो हुंडई उसके भी बच्चा भी अभी मेरा अभी 20 चल रहा है राइट, मैंने 19 में खरीदा, 19 और 20 में तो चला नहीं, अभी 22 चल रहा है। 22 में मेरा चाबी यूज करते करते अभी काम ही नहीं करता, कभी कभी ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में बैटरी चेंज किया फिर भी सेम इशू है, बैटमेंस मतलब कि इसका रिमोट में क्वालिटी इशू आ गया है अभी, और एक चाबी में तो रिमोट है ही नहीं, वो तो पूरा टोटल कॉस्ट कटिंग कर दिया है। वेरस आप अगर जर्मन कार देखोगे, वॉक्सवैगन हो या स्कोडा हो, दोनों चाबी आपका पूरा वो फ्लिप की देता है विद दैट पुश मींस द लॉकिंग बटन एंड ऑल थिंग्स, दोनों चाबी प्रीमियम होता है, इसलिए क्या means for with a good price you do get good quality obviously but still I have paid for this around 5.8 something lakhs tab diya tha 2019 mein, to uske means for that amount I should get a good sort of quality right, baki quality acha hai obviously, purana centro se it is far better but still it could have been better। तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, मतलब कोई भी अगर अभी तो डिस्कंटिन्यू हो चुका तो वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली है, अगर सिटी राइड है या ऐसा हाईवे एक दिन का आने का है तो आई वुड से दैट इट्स गुड, मींस आप धीरे चलाओगे, अगर आप वैसा मींस काम के लिए चलाओगे तो इट्स गुड, इट्स नॉट अ ड्राइवर्स कार, आई एम रिपीटेडली सेइंग इट्स नॉट अ ड्राइवर्स कार, चलाने में मजा नहीं है इसमें, सिर्फ आप चलाओ आपका जरूरत मतलब आपका आपका जो काम है आप कर लो गाड़ी में, निकल जाएगा बस हो गया, माइलेज मिल जाएगा बस, आपका बाइक का सब्सटीट्यूट ये बाइक या स्कूटी का सब्सटीट्यूट ये बन सकता है, क्योंकि आपका अभी तो डिसकंटिन्यू हो गया तो प्राइस का फॉल हो गया है ऑलमोस्ट सेकंड हैंड मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में भी मिलेगा थोड़ा कौन कौन का अगर मिल जाएगा तो आप ऑलमोस्ट 2.8 लाख से 4.5 लाख में आपका आराम से स्पोर्ट्स या एस्टा बोलिए या मैग्ना बोलिए कोई भी मिल जाएगा। आई वुड प्रेफर कि अगर आप सेकेंड हैंड में लेना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स लीजिए, क्योंकि ऑल फीचर्स है, क्योंकि मजा आता है अगर आपका यहाँ पे ऑटो काटले है, फिर एंड्रॉइड कनेक्ट होता है आपका, मतलब ये टोटल फ्यूचर प्रूफ है, ये जो म्यूजिक सिस्टम है पूरा फ्यूचर प्रूफ है, उसके ऊपर से आपका PS4 है तो कोई टेंशन नहीं है, आप चला सकते हो आराम से, तो आई प्रेफर ऑब्वियसली बाइंग इट। तो और एक बात, आप तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास चला चुके हो, आपका हुंडई का सर्विस रिलेटेड कोई इशू है मतलब क्या? कोई इशू नहीं है, मेरा एक बार इशू हुआ था वो, हाँ वो मैं भूल गया, और एक कौन है कि इसमें जो मेरा रेडिएटर का फैन है वो एक समीन्स 21 साल में बहुत बारिश हुआ था हम लोग यहाँ पे कोलकाता में, तो उस बारिश में मैं तो कोलकाता जाता हूँ ऑफिस जाता हूँ कार को लेके, तो उस बारिश में हल्का पानी लग के इसका मोटर पूरा शॉर्ट हो गया था और ये पूरा खराब हो गया था, तो मैं जब जा रहा था ऑफिस तो इसके में पूरा हीटिंग इशू आ गया था, एसी वेसी सब बंद हो गया था, मतलब आप जाते जाते मतलब गाड़ी रुक गया, जाते जाते गाड़ी रुक गया था पूरा धुआं मार के, तो ऐसा हालत हो गया था। तो ये वाला इशू मेरा पुराना सेंट्रो में कभी नहीं हुआ है, बहुत चलाया हूँ, बहुत पानी में भी चलाया हूँ, मगर ये इशू नहीं हुआ है कभी भी। तो उसके बाद सर्विस सेंटर में बहुत इशू मुझे मिला है, क्योंकि मैंने बोला कि आपका क्वालिटी इशू है और इसका मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसके बाद मैंने मेल किया आपका हुंडई में, उसके बाद जाके मेरा रिप्लेसमेंट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मुझे सिर्फ लेबर चार्ज अराउंड 2000 समथिंग देना पड़ा जो फिटिंग चार्ज है, उसके ऊपर से उन लोग ने क्या किया जो आपका सर्विस में मेरा गाड़ी को दिखा दिया कि मेरा गाड़ी वाटर लॉक्ड हो गया। वाटर लॉक मतलब क्या होता है कि आपका गाड़ी डूब गया है फ्लड या ऐसा हो, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, मैं अगर ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ तो मैं तो बेच नहीं पाऊंगा, कोई अगर सर्विस रिकॉर्ड निकालेगा तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपका गाड़ी वाटर लॉक हो गया। हाँ। ये एक बहुत बुरा चीज मुझे लगा, क्योंकि मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर है उनसे, तो ये चीज मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, हुंडई को थोड़ा देखना चाहिए कि ये इशू आ रहा है। तो मैंने 3 बार उस सर्विस के लिए दिया था, थर्ड टाइम में जाके मेरा ये पूरा रेडिएटर का पंखा चेंज मींस मोटर चेंज हुआ, मोटर चेंज 2 बार सिर्फ मेरा फ्यूज चेंज करके दे दिया, अगर फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है, सेकेंड टाइम में दिया फ्यूज उड़ गया, तो उस टाइम देखो क्योंकि क्या हुआ मींस फ्यूज क्यों उड़ता है, कोई शॉर्ट है इसलिए फ्यूज उड़ता है फॉर लाइक ज्यादा वोल्टेज आ गया या ऐसा कुछ, तो यही इशू मुझे मैंने फेस किया जब मैं ये चला रहा हूँ अभी, तो बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, आपका एक चार्जर पोर्ट है और मुझे लगता है और एक चार्जर अगर पोर्ट पीछे मिलता तो बहुत अच्छा होता, बट स्टिल चार्जर है तो उसके बाद भी रियर एसी वेंट है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में इज वेरी गुड,
मारुति टाटा कोई भी मतलब इस प्राइस पॉइंट पे नहीं देता, मतलब इस सेगमेंट में दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि अगर पांच जन गर्मी के टाइम पे अगर पांच जन बैठता है पीछे में, ये एसी वेंट होने से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ऊपर से इसका एसी भी पुराना सैंड्रो से बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी मीन्स पूरा हीट में अगर गरी रहता है तो थोड़ा विंडो नीचे करके अगर आप एसी चला दोगे तो कुछ एटलीस्ट मैक्स आधा घंटा में पूरा चिल्ड अप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा गाड़ी गर्म गर्म रहता है तो टाइम लगता है ठंडा होने में, तो अच्छा। यही बात है। तो फाइनल आपका मतलब ओपिनियन है, मतलब ये गाड़ी ठीक ठाक है एकदम एकदम फैमिली पैक, मतलब फैमिली मैन के लिए एकदम छोटा फैमिली के लिए या सिटी ड्राइव या ऑफिस ड्राइव बहुत अच्छा है, आराम से चलाओ, ज्यादा एक्सलरेट मत करो। इफ यू आर लाइट फुटेड तो आपको माइलेज मिलेगा फॉर श्योर, इफ यू आर हेवी फुटेड तो माइलेज तो कोई भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, वो तो बात है, मगर इसमें लाइट मतलब कि बहुत ही लाइट फुटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैसे ही माइलेज देता है, और हल्का हल्का करके आप चलाओ और गियर चेंज ठीक ठाक यहाँ पे जब दिखाता है कि टू एरो मींस एमआईडी में जब दिखाता है कि शिफ्ट करने का है तब तभी शिफ्ट करो तो आपको माइलेज मिलेगा, दैट्स अ गारंटी। मैं वैसे ही चला के ऑलमोस्ट मुझे 25-26 ऐसा माइलेज मिला है, मतलब कि एक फुल टैंक में बहुत चल सकता है। मैं कितना रेंज है एक फुल टैंक में? आराम से 600 प्लस मतलब कि मैं 600 जा सकता था, मैं जब उड़ीसा जा रहा था तब थोड़ा 100-120 में चलाया तो मेरा थोड़ा गिर गया था, फिर भी मेरा अराउंड 500 प्लस किलोमीटर था। मैं जब उड़ीसा घुसा तब उसके बाद मेरा टोटल में 70 लीटर्स फ्यूल लगा था उड़ीसा का, पूरा 1000 किलोमीटर हुआ था, और उसके बाद भी मेरा ऑलमोस्ट 2-3 डंडी था, मतलब कि बहुत सारा पेट्रोल था तभी भी, ऑलमोस्ट 10 लीटर के आसपास था। और ये फ्यूल टैंक 35 लीटर का है ना? अच्छा, तो अच्छा माइलेज देता है, तो बहुत अच्छा माइलेज देता है। तो ओके, तो यही है ऑल अबाउट मींस दैट रिव्यू, ये मतलब इसका ही अग्निव उसका ही गाड़ी है, 20,000 ऑलमोस्ट चला चुका है, सो इसके लिए मतलब यही पूरा रिव्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, एंड उसका भी चैनल है स्टारलॉट राइडर, मैं इन कट पे उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा, एंड उसके चैनल पे भी वो लोग सैंट्रो का एक्चुअली वीडियो दिया, मतलब सैंट्रो का और सैंट्रो का कुछ डिटेल्स, सो आप देख लेना। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट्स इट, थैंक यू।